अब बात करते हैं दोस्तों कि हेलमेट कितनी तरह के होते हैं। वैसे तो हेलमेट बहुत तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको पांच ऐसे कॉमन बताने वाला हूं जो बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जगह जगह देखने को मिलते हैं। ये पांच हेलमेट आपने भी देखे होंगे इस्तेमाल होते हुए, मैंने भी देखे और शायद आप भी इस्तेमाल करते होंगे। तो देखिए ये है वो पांच हेलमेट। नंबर वन, हाफ हेलमेट। इस तरह के हेलमेट के अंदर वाइजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस तरह के हेलमेट स्कूटी चलाने वाली औरतें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इस तरह के हेलमेट को स्कूटी की डिग्गी में बड़े आराम से रखा जा सकता है। दोस्तों नंबर दो, ओपन फेस हेलमेट। इस तरह के हेलमेट सर, कान और आधे फेस को कवर कर देते हैं। हालांकि आधा फेस वाइजर से कवर हो जाता है, लेकिन इस तरह के हेलमेट से दोस्तों चेहरे पर चोट लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों नंबर तीन, फुल फेस हेलमेट। इस तरह के हेलमेट यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ कवर कर देते हैं, यानी हमारा पूरा चेहरा कवर कर देते हैं, सर, आंखें, कान वगैरह सब कुछ कवर कर देते हैं। इस तरह के हेलमेट को सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है मुकाबले बाकी दूसरे हेलमेट से। जी हाँ, और इस हेलमेट का एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि गाड़ी चलाते वक्त सामने से जो हवा लगती है वो भी इस हेलमेट के अंदर बिल्कुल ना के बराबर लगती है, क्योंकि इसका वाइजर जब बंद होता है तो ये हेलमेट पूरे फेस को कवर कर देता है, तो ज़रा से भी चांस नहीं होता कि हवा हमारी आंखों में लगे या हमारे फेस पर टच हो। तो ये हेलमेट सबसे ज़्यादा है बामुकाबले दूसरे हेलमेट्स के। दोस्तों नंबर चार, मॉड्यूलर और फ्लिप अप हेलमेट। ये हेलमेट फुल फेस हेलमेट और हाफ फेस हेलमेट के बीच का होता है, यानी अगर इसको आप पूरा फेस आप इससे कवर करना चाहें तो बड़ा आराम से कर सकते हैं, और अगर आप हाफ फेस अपना कवर करना चाहें तो इसके आगे के हिस्से को ऊपर बड़ा आराम से उठाया जा सकता है। तो ये दोनों तरह से काम करता है और ये भी हमारे पूरे फेस को आराम से कवर कर देता है। और इसकी भी खासियत ये है दोस्तों कि इसके अंदर भी ज़रा सी भी हवा पास नहीं होती। अगर आप चाहें तो आप हाफ की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको फुल की तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। दोनों चॉइस आपको इस हेलमेट के अंदर मिल जाती हैं। दोस्तों नंबर पाँच, मोटोक्रॉस हेलमेट। इस तरह के हेलमेट ऑफ रोड और डर्ट बाइक और MX भी कहलाते हैं। जी हाँ, दरअसल ये हेलमेट उन जगहों के लिए बने हैं जहाँ पर रेतीले रास्ते होते हैं, जहाँ पर कीचड़ भरी हुई होती है। अगर आप ऐसी जगह पर टू व्हीलर चलाते हैं जहाँ पर रेत ही रहते हैं और कीचड़ है, गंदगी है, पक्के रोड नहीं बने हुए, तो वहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। तो ये जो हेलमेट है ये उस तरह का हेलमेट है कि आपको ये उस धूल मिट्टी से बचाता है, आपकी सांस के जरिए ये उस धूल मिट्टी को अंदर नहीं जाने देता, और इस हेलमेट के अंदर सर भी ठंडा रहता है। तो इस हेलमेट की ये खासियत है। ये वो पाँच हेलमेट हैं दोस्तों जो नॉर्मल हम देखते हैं सभी को इस्तेमाल करते हुए। अब आपको कौन सा लेना है मर्जी आपकी है, इनमें से आप देख लीजिए, जो भी आपको अपने हिसाब से सही लगे आप उस हेलमेट को खरीद कर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कंपनी का हेलमेट होना चाहिए।